हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक अमेजिंग मार्केट एनालिसिस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल जो आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उसमें क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और आज एक अमेजिंग क्लास होती हुई दिखी उसके बारे में भी हल्के से बताया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी के सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से आगे भी रेगुलरली अच्छी तरीके से लर्निंग करते हुए अर्निंग करते हुए दिख पाओ। ओके, तो सबसे पहले आज की मार्केट वॉज टोटली वेरी इनसेन मार्केट, काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट था। मार्केट आज बहुत ही बड़ा गैप अप खुला, निफ्टी भी लगभग 150 प्लस पॉइंट खुलता हुआ दिखा एंड बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट प्लस मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग करा। फिर वहां से मार्केट में तुरंत से एक शार्प पुल बैक आया, लोगों ने भी शॉर्ट करा और हम लोग ने भी यहां कहीं पे डिसीजन शॉर्ट साइड का लिया। निफ्टी बैंक में भी डिसीजन शॉर्ट साइड का लिया, काफी अच्छी तरीके से लोगों का मॉर्निंग ही में प्रॉफिट्स बनता हुआ दिखा। सिंपल प्राइजेक्शन था, मार्केट खुला गैप अप, बड़े कैंडलस्टिक विक बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक का क्लोजिंग करा जो इस विक के आसपास ही क्लोजिंग होती दिखी थी। तो ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है एंड उसके बाद मार्केट में शॉर्ट साइड का क्रैश टाइप का सिनेरियो दिखा। बट बीच का हाफ वॉज क्रेजी वोलेटाइल, मार्केट जो मन कर रहा था ग्रीन मन कर रहा था ग्रीन बना दे रहा था, रेड मन कर रहा था रेड बना रहा था, जो मन में आ रहा था कैंडलस्टिक बनाता जा रहा था एंड उतना ज्यादा स्पॉट्स में मतलब उतना ज्यादा स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग नहीं भी चल रही थी, बट तब भी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक आपका निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी दोनों जगहों पे आती हुई दिखी थी। ये चीज काफी दिनों बाद दिखी थी, ऐसा मार्केट जल्दी करता नहीं है, तो बहुत सारे सेंटिमेंट्स को हैम्पर करते हुए मार्केट ने ये सब काम करा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का लॉस भी हुआ, ऑप्शन सेलर्स तो एकदम ही परेशान क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि प्रीमियम डिके भी बहुत कम था आज निफ्टी में, बट प्रीमियम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत मतलब जिसको कहते हैं बहुत वोलेटिलिटी थी। बार बार प्रीमियम 20 रुपए का 100 पहुंच जा रहा था, फिर 100 से 50 जा रहा था, फिर 50 से 80 पहुंच जा रहा था, तो खूब ज्यादा वोलेटिलिटी वहां पे भी चल रही थी। तो काफी अच्छा शानदार डे होता हुआ दिखा, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता हुआ दिखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप देख रहे हो इस वीडियो को, वो है आपका कल के दिन में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आपका होता हुआ दिखेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तरफ से आरबीआई के, एंड वो होता हुआ दिखेगा 5th अप्रैल को और सुबह के टाइम पे 10 AM पे होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग अभी के टाइम पे सोच रहे हैं वो सिंपल सा यही है कि कंटिन्यू रेपो रेट विल कंटिन्यू टू कीप एट 6.5 लेवल, 6.5 के लेवल पे ही रखने की कोशिश करा जाएगा इस बार भी। बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिस्ट का यही कहना है, इसको याद रखिएगा। और एक इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इसको भूलिएगा नहीं। और ऑब्जेक्टिव जो है आरबीआई का है इन्फ्लेशन रेट को 4% में लाना, अभी भी उससे हम लोग मतलब वो अभी भी मतलब उससे हम लोग काफी हायर है इन्फ्लेशन में, इसको याद रखना है। जीडीपी ग्रोथ एंड एवरीथिंग काफी अच्छी चली रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक जिसको कहते हैं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6.5 का लेवल ही पे रखने की फिर से कोशिश करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार भी वही था और फिर से वही होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं, बट थोड़ा बड़ा वोलेटिलिटी आपके 10 AM के टाइम पे आती हुई दिखेगी। तो कल के दिन को मिस नहीं करना है, उस दिन भी आपको ट्रेड करना है। और कल जैसे ही जानते हो, अगर आपको नहीं पता आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, तो फ्राइडे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का काफी अच्छा डे होता है, काफी अच्छे पॉइंट्स निकलते हुए दिखते हैं। तो आप के लिए सब्सक्राइब जरूर से चैनल को कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि कल का दिन मैं बहुत ही शानदार बनाने वाला हूं क्योंकि इसके बाद फिर से आपके हॉलीडेज हैं। हॉलीडेज भी हैं गाइस एंड आज जैसे कि एक अमेजिंग क्लास लगती हुई देखिए ऐसी ही अपकमिंग क्लासेस आपकी फिर से लगने वाली हैं। तो अभी भी टाइम है आपके पास, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइफ टाइम प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में नहीं ज्वाइन करे हो तो मौका है, आपको कुछ नहीं करना अपना। पहली बात तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेलीग्राम चैनल को भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर लीजिए एंड उसके बाद धन का, एलाइज ब्लू का, पेटीएम मनी का, फायर्स का, किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है एंड वहां से आप क्लासेस को ज्वाइन करते हुए देखिए, वरना आप भी ऐसी अमेजिंग नॉलेज को मिस करोगे। आपको रिव्यूज भी दिखा देता हूं, बहुत लोगों के रिव्यूज भी आए, उनमें से एक हमारे तुषार जी का भी रिव्यू आता हुआ दिखा फटाक से कि आज की क्लास अटेंड किया, इट वॉज वेरी गुड, टॉपिक्स वर वेरी ग्रेट एंड उनको भी पढ़ के काफी अच्छा लगता हुआ दिखा। तो आपको भी मिस नहीं करना है गाइस, ठीक है। नॉलेज को लेते चलो, जब फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं तो थोड़े से स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आप जल्दी से लग जाइएगा अपना अकाउंट ओपनिंग में एंड डिपॉजिट करके एक नॉर्मल ट्रेडिंग, एक नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करिए अपना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं जो होता हुआ देखिएगा कल की मार्केट। सबसे पहले मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बता दिया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कल की मार्केट में से पहले FIIs एंड DIIs डाटा को देखने की कोशिश करोगे अगर आप, तो FIIs एंड DIIs डाटा आज का नहीं आता हुआ दिखे, आज गया है सॉरी, FIIs एंड DIIs डाटा आ चुका है कि दोनों FIIs ने भी सेलिंग करा 1136.47 CR का एंड DIIs की भी नेट के नेट सेलिंग ही होती हुई दिखी 893 CR की। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट की बात मानी जाएगी, बट मुझे लगता है सेकंड हाफ में रिटेलर्स ने पूरा मार्केट को उठा के ऊपर रखा है, इसको याद रखिएगा। रिटेलर्स ही काफी स्ट्रांग बाइंग एंड एवरीथिंग का सिनेरियो आपको दिखा। बाकी क्रिप्टो ट्रेड्स तो कर ही रहे हैं, जिनके पास नहीं अकाउंट अपना सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से ओपन कर सकते हैं।
एंड उसके बाद ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट को अभी के टाइम पे आप देखने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल मार्केट अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ही से पॉजिटिव है। नैसडैक को देखने का ट्राई करोगे तो 80 पॉइंट्स पॉजिटिव चलता हुआ दिख रहा है एंड डाउ जोन्स को देखने का ट्राई करोगे तो 98 पॉइंट्स ये भी पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ का ही सिग्नल मार्केट में दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखने का ट्राई करोगे तो आपको वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का स्ट्रक्चर दिखेगा, निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक छोटी सी बेरिशी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ बट बिकॉज रिकवरी हो गई थी तो इसको बहुत ज्यादा बेरिश नहीं बोल सकते, बट हाँ सुबह के टाइम पे जो फॉल आया उसने थोड़ा से मार्केट में पैनिक क्रिएट करा। एंड बैंक निफ्टी में भी वैसे ही कुछ, गैप अप बहुत बड़ा, फिर नीचे आया मार्केट, फिर रिकवरी करके ऊपर क्लोज करा। तो ये स्ट्रेंथ का सिग्नल है, अगर रिकवरी करके क्लोज नहीं कर पाता तो वो इंट्राडे के हिसाब से वीकनेस मानी जाती। अब चलते हैं डायरेक्टली प्राइजेशन एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करते हैं एंड जल्दी से कल के लेवल्स को आप मार्क करके अच्छी तरीके से ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाइए। कल आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल कल का होता हुआ दिखेगा। आराम से जब मैं लेवल्स बताना शुरू करता हूं ना, कुछ ना करो करो गाइस, कॉपी पेन, एक कॉपी पेन रखा करो, डेली लेवल्स करके कॉपी एक बना लो, 10 रुपए की कॉपी लेके बना लो, उसको तुरंत तुरंत से लेवल्स में जब बोलता जाता हूं ना उसको कॉपी पेन में लिखते जाया करिए आप। फिर उसके बाद आराम से आप भी रात में चार्ट की एनालिसिस करिए, अपना धन का अकाउंट आपने ओपन करा है एलाइज ब्लू फायर्स का करा है किसी में भी, तो उसमें आप अपना मल्टीपल चार्ट को लगा के अपना आप भी एनालिसिस पे बैठिए, जो मैंने लेवल्स कॉपी में आप नोट कर रहे हैं उसको मार्क करिए एंड आप भी अपने लेवल्स को बनाने की कोशिश करिए। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी और साथ साथ में आपको भी बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। प्लीज लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग साथ साथ में होती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लर्निंग पे बहुत डेडिकेटेड रहता है। अब लेवल्स को मार्क करना, कॉपी में लिखना शुरू करिए। 22,725 नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,660 नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जोन है, 22,568 से 591 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,436 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 22,315। अब आ जाते हैं इसके बाद आप इनको कैसे यूज करना है उसको समझ लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि निफ्टी में देखो बाइंग का प्रेशर आज के दिन में था, सेकेंड हाफ में मार्केट में निफ्टी में बाइंग का प्रेशर था, लास्ट तक में मार्केट ने एक ऊपर के साइड की क्लोजिंग करा, तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये एक स्ट्रेंथ का ही साइन माना जाएगा, कहीं से भी बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं और एक गैप अप का भी एक्सपेक्टेशन हम लोग रखे हुए हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी सही है। तो अभी के लिए यहाँ के जो बायर्स हैं, ये जो बायर्स हैं ये सब लोग के लिए एक अच्छा न्यूज है। कल के दिन में ये लोग वीक कब होंगे, ये लोग वीक अब तभी होंगे जब आपका 200 मूविंग एवरेज टूटेगा, तभी इनको वीकनेस फील होती हुई दिखेगी। कल के दिन में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन डाउनसाइड में होता है तभी आप समझिएगा मार्केट में वीकनेस है और वो लेवल भी अप्रॉक्सिमेटली कुछ 22,440 के आसपास होता हुआ दिखेगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आएगा तो समझ जाएगा वीकनेस के टाइप का सिनेरियो बन रहा है, फिर मार्केट अप्रोच कर सकता है 22,340 के लेवल्स को। ऑल टाइम हाई पे चली रहा है निफ्टी, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड देन वापस से बुलिशनेस, ये कंटिन्यूएशन होने के चांसेस हाई है गाइस, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट आ चुका है एंड बहुत ज्यादा रुक भी रहा है, तो अब कल के दिन में निकलने का मौका है मार्केट पर, निकल सकता है, इसको याद रखिएगा। फ्राइडे का दिन भी अच्छा दिन होता है तो निकलने के चांसेस है, तो हल्का से नीचे आना फिर मार्केट में ऊपर जाना इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मान लीजिए गैप अप खुला बट मार्केट तोड़ के नीचे आ गया तो आपको तब तक बहुत एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है, मतलब एग्रेसिव शॉर्ट मतलब पूरा होल्डिंग वाला, जब तक कल के मतलब आज की क्लोजिंग के नीचे ना आ जाए। अगर आज की क्लोजिंग के भी नीचे मार्केट आके नीचे रुकना शुरू करता है तब आपको समझ जाना है कुछ तो वीकनेस की बात है, तो थोड़ा बड़ा शॉर्ट क्रिएट करते रहना है एंड फिर 200 मूविंग एवरेज टूटने के बाद एग्रेसिव शॉर्ट साइड भी आप जा सकते हो, तब वो रियल वीकनेस के अंदर कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं निफ्टी बैंक के लेवल्स को मार्क करना शुरू करिए। निफ्टी बैंक में सबसे टॉप का लेवल 48,400 देन उसके बाद 48,291 देन उसके बाद 48,127 देन 47,957 अगेन उसके बाद 47,810 एंड द लास्ट द बीस्ट 47,600। आज के दिन में एक चीज को ऑब्जर्व करा गया था कि नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी 48,000 के लेवल्स पे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, इसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्लोज नहीं करा था,
बट वो नेक्स्ट एक्सपायरी में, मतलब जो वही जो अपकमिंग एक्सपायरी है उसी में थे, तो अभी उस एक्सपायरी में टाइम है, तो कल गैप अप खुलेगा तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए एक बार जब आए ना तो वो लोग भी स्क्वायर ऑफ करें एंड फिर मार्केट यहां से रैली करते, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर मुझे लगता है कल के दिन में बन सकता है। अगर गैप अप खुला, रिट्रेसमेंट दिखाया, तो रिट्रेसमेंट में कम स्कैल्प करना, फिर अगर सपोर्ट बनाता है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने तीसरी चौथी टाइम टच करा है और एक हायर हाई का पैटर्न भी मार्केट बनाया हुआ है, तो गैप अप खुल के सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाता है तो काफी अच्छी बुलिशनेस का एक्सपेक्टेशन है, इसको याद रखिएगा। तो सिंपल सा है कि अगर गैप अप खुले, रिट्रेसमेंट लेके बुलिशनेस जाए, इट वुड बी वेरी गुड। सीधा सीधा बुलिशनेस जाएगा तो ये लेवल के ऊपर 48,290 के ऊपर और बुलिशनेस आप ट्राई कर सकते हो 48,392 और ऊपर के लेवल्स में। आपको लाइव स्ट्रीम पे शेयर करूंगा या आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, और या तो अपने लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ गाइस, बहुत लोगों की ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप उसको जल्दी से फॉलो कर लो, अभी तुरंत कर लो। एक बार अनसब्सक्राइब करो और फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। एक बार अनसब्सक्राइब करो, फिर से सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन को ऑल पे कर दो, तो आपका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का कुछ ग्लिच है, अभी 3-4 दिन का हॉलीडेज था तो हम लोग के वीडियोस अपलोड नहीं हुए थे, तो ये ग्लिच में चला जाता है चैनल। तो आप ये काम कर लो तो आपका सब कुछ नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बता देना कितने लोगों को नोटिफिकेशन आता है कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों को नहीं आता, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा प्लीज काइंडली, ठीक है। अब सेकंड मोस्ट केस कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है या तो साइडवेज खुल के नीचे के साइड तोड़ता है, तो नीचे के साइड तोड़ने पे 47,956 के नीचे मार्केट में बेयरिशनेस आ जाएगी एंड मार्केट 47,813 को अप्रोच करेगा। उसके आगे की एनालिसिस एंड एवरीथिंग वो मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान बताऊंगा, एंड मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का कम से कम एम रखते हैं 500 लाइक्स का, प्लीज काइंडली लाइक कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट्स की बहुत जरूरत है, इसको ध्यान दीजिएगा। मार्केट एनालिसिस वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, इसको फिर से बूस्ट पे लाना है तो आप ही कर सकते हो। उसके लिए लाइक करो, शेयर करो एंड जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ इंटेलिजेंट ट्रेडर्स चैनल के बारे में, ताकि और अच्छी तरीके से एक ग्रोथ होती हुई दिखे, रियल ग्रोथ, कोई भी फॉल्स मैनिपुलेशन नहीं, कोई भी चीज दिखावा करके नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।